कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन पड़ने वाली देवोधनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्मास के समापन के साथ ही इसी दिन भगवान विष्णु अपने नींद से जागते हैं। चतुर्मास में हिंदू धर्म में शुभ कार्यों पर रोक होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के नींद में जाने के बाद कोई शुभ कार्यों की योजना नहीं होती। देवोधनी एकादशी के बाद से ही भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और शुभ कार्यों का शुभारंभ होता है। इस व्रत को भी हिंदू शास्त्रों अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल देवोत्थानी एकादशी 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। हालांकि एकादशी 3 नवंबर को शाम 7:30 से ही शुरू हो जाएगी और अगले दिन 4 नवंबर को शाम 3 तक रहेगी। वहीं पारण का समय 5 नवंबर सुबह 6:36 से 8:47 तक माना जा रहा है। देवोत्थानी एकादशी के मौके पर घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। चूना और गेरू से बनाई जाने वाली इस रंगोली में गन्ने का मंडप भी रखा जाता है और इसके साथ ही भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवोत्थानी एकादशी के दिन व्रत करने का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से पापों का नाश होता है। साथ ही व्रत के जरिए जाने अनजाने में किए गए बुरे कामों का प्रायश्चित किया जाता है और इस व्रत का बखान पौराणिक कथाओं में मिलता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इसी दिन 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।